इस समय हमारे बीच मौजूद है शिमला शहर के विधायक हरीश जनाता जी। जाना जाएंगे खासकर जो दल बदल कानून है, इसके तहत अगर देखा जाए बीते दिन भी वो कुलदीप सिंह पठानिया जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके सामने उपस्थित नहीं हुए। अब जो दल बदल कानून के तहत क्या कार्रवाई की जाएगी? जी सर, आपका स्वागत है। थैंक यू जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने अवॉइड किया है, जो कि एक कोर्ट लगा है, जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष होते हैं उनका एक प्रेरोगेटिव होता है, उनका अपना ही कोर्ट होता है, तो उस कोर्ट में उनको पेश होने के लिए कहा था, वो आए नहीं इसमें। लेकिन जो दल बदल कानून है उसमें लगभग इनका ये निष्कासित होना तय है। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने एक इंडिपेंडेंट होने के नाते इन्होंने सिर्फ रेजिग्नेशन दी है, और रेजिग्नेशन जब एक्सेप्ट नहीं हुई थी तो उसके उससे पहले इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। और मैं शुरू से भी बोला था, और मैंने हाईकोर्ट में भी एक याचिका डाली थी, इसलिए क्योंकि वो अंडर प्रेशर लग रहे थे। प्रेशर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहां पे जब वो स्पीकर साहब के ऑफिस में गए तो उनके साथ बीजेपी के सीनियर लीडर्स थे, जैसे कि ठाकुर जयराम जी थे, और उनके साथ उनके विधायक भी थे, और काफ़ी उनके साथ एक हजूम था बीजेपी का, और साथ साथ उनके साथ सिक्योरिटी भी थी सीआरपीएफ की। तो वो हम वो दर्शाता है कि वो अंडर प्रेशर उन्होंने दिए। उसके बाद वो इमीडिएटली वहाँ से बाय एयर के डिफरेंट जगह पर उनको ले जाया गया है, और वो एक डेढ़ महीने तक उन्हीं के साथ रहे। अगर वो इंडिपेंडेंट थे तो उनको किस चीज का डर था, या किस चीज उनको क्या जरूरत थी रिजाइन करने की? उनकी अपनी मर्जी थी कि वो किसी को भी सपोर्ट कर सकते, चाहे आउटसाइड सपोर्ट थे, उनका तो अपना एक अलग ही एक रोस्टर कहे या अपना अलग ही एक विचार था उनका कि वो जहां भी जा सकते थे उनको कोई रोक नहीं सकता था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ये जो सब कुछ अंडर प्रेशर किया है, और सेकेंडली अब उसमें स्पीकर साहब के जो वहाँ पे उनकी ज्यूरिडिक्शन है वो डिसीजन देंगे, एंड आई एम श्योर कि दे शुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ विधानसभा। हरी जी, जिस तरीके से निष्कासित किया जाता है उसके बाद कब तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? जो निष्कासित किया जाता है उसमें एक प्रोसीजर होता है, नोटिस सर्व किए जाते हैं, उनकी रिप्लाई पर वेट किया, उनको पूरा हक है अपनी बात रखने का, और अपने डिस्कशन उनके वकील आते हैं वहाँ पे, डिस्कस करते हैं हर चीज, और हमारा जो एक्ट है विधानसभा का जो एक्ट है उसके बाद एक एक पॉइंट पे विचार किया जा सकता है। तो उसमें आपका टाइम बाउंड तो स्पीकर के लिए कोई टाइम बाउंड नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई स्पीकर साहब ने की है, हम उनका जिसे कहते हैं किस्म से वी अप्रिशिएट हिज एक्शन, क्योंकि वो शीघ्र से शीघ्र इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। अब जैसे वो आया नहीं है, अभी एक समन होता है ये भी कोर्ट में, तो वो भी इनके अगेंस्ट ही जाएगा। हरी जी, आज जो भाजपा की रैली थी उस दौरान जो पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि जो शिमला संसदीय क्षेत्र के जो प्रत्याशी है विनोद सुल्तानपुरी वो मजबूर है, वो उनकी इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की, वो मजबूरी में लड़ रहे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो हमारे प्रत्याशी हैं यहाँ से विनोद सुल्तानपुरी जी, इनके फादर पहले भी 6 बारी केडी सुल्तानपुरी जी यहाँ से लोकसभा से जीत के गए, और 6 बारी लोकसभा के मेंबर हैं। तो अब वो ये कहने को तो सुखराम चौधरी जी वो खुद मजबूर है कहने के लिए, और उन्होंने जो कहा है उनको एक गाइडलाइन मिली होगी उनके हाईकमांड से कि इस तरीके से अपने भाषण में वो ये स्टेटमेंट्स दे, लेकिन कोई मजबूरी नहीं थी। वो पढ़े लिखे नौजवान हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, वो जानते हैं हर चीज़ को, और ये बहुत अच्छी बात है एक यंगस्टर्स को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो अच्छे मार्जिन से जीत के भी जाएंगे, और वो काम करने वाला है, वो आम आदमी का काम करने, वो दुख सुख समझते हैं लोगों का, और उस तरीके से एक अच्छा ही रुझान होगा खास करके शिमला लोकसभा पार्लियामेंट्री के लोगों को, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस है और लोगों से इजी एक्सेस है, और लोगों से मिलना और जुलना उनका एक हमेशा की तरह, जैसे कि भी कॉन्स्टिट्यूंसी में था और पूरे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी रहेगा। जी बिल्कुल, ये थे शिमला शहर के विधायक हरीश जनार्दन जी, इनका कहना है कि जो विनोद सुल्तानपुरी है वो एक मजबूत कैंडिडेट है। जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद।